मैच। थैंक यू सर। तो आपने 2013 में क्या ये एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में? सर बीए किया। अच्छा, ये ग्रेजुएशन है, पीजी नहीं किया है? नहीं नहीं सर। तो डीयू में किस कॉलेज से किया है? सर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अच्छा, वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। जी सर। एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन करना चाही थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन फिर मेरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हुआ था, फिर मैंने वो छोड़ दी और फिर डीयू ज्वाइन कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? सर रेलवेज में जॉब कर रहा हूँ। किस पद पर? सर स्टेशन मास्टर। तो कहाँ पोस्टेड है अभी आप? सर शंकरगढ़, इलाहाबाद के पास। जी 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 सर। शंकरगढ़ है जी। अच्छा सर, किस रेलवे में आता है वो? सर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल। कितने जोन है रेलवे के? सर 16। 16 जोन। अच्छा, और आपका ऑप्शनल है फिलासफी और डिफेंस स्टडीज? यस सर। तो ये पॉलिटिकल फिलासफी पढ़ा आपने? जी सर। पोस्ट कौन कौन से थिंकर हैं आपके पास ये पर्टिकुलरली? सर पॉलिटिकल फिलासफी में आइडियोलॉजीज जो पढ़ाई गई हैं वो बेसिकली सोवरेनिटी से रिलेटेड है, जैसे बोदिन हो गया, टास्की हो गया। नहीं, फिलहाल पॉलिटिकल फिलासफी में कौन से थिंकर पढ़े आपने? एरिस्टोटल है, प्लेटो है। और पॉलिटिकल फिलासफी अगर फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर लॉक है, ह्यूम है, कांत है, जो है हेगल भी है, हेगल भी है, बर्कले है। हेगल की बुक्स के नाम बताइए। सॉरी सर, बुक्स के नाम तो नहीं याद है। अच्छा, उसका आइडिया क्या था? सर एब्सोल्यूट आइडिया का कॉन्सेप्ट था कि एब्सोल्यूट आइडिया इज द ओनली रियलिटी एंड इट्स एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इवॉल्विंग रियलिटी। वर्ल्ड है वो इवॉल्व कर रहा है और एब्सोल्यूट रियलिटी में इवॉल्व होगा। हेगल कोई ऐसा आइडिया बताइए जिसने फ्यूचर में फिलॉसफी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, आगे चल के फिर उसी को आधार बना के थिंकर्स ने आगे बढ़ाया बात को, कोई है सर विचार? जी सर। सर डायलेक्टिक मेथड जो था उसको कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में जो उनका था, डायलेक्टिक मेथड क्या था? डायलेक्टिक मेथड ये था कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में वर्ल्ड जो है इवॉल्व करता है, तो उसी को मार्क्स ने उसी को फॉलो किया और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बनाया। सो इस डायलेक्टिक मेथड से हेगल ने स्टेट के बारे में क्या सिद्ध किया? सर स्टेट के बारे में जो सिद्ध किया कि स्टेट जो है वो थीसिस, एंथीसिस और सिंथेसिस में इवॉल्व करता है। सिंथेसिस जो है वो स्टेट को हमेशा एक्सपेंशनिस्ट होने की बात करता है, जिसको क्या सिंथेसिस आगे चल के क्या बनता है? सर खत्म हो जाता है वहां पे। जी सर। थीसिस हुआ, एंटीथीसिस, सिंथेसिस आ गया, अब क्या होगा आगे? जो सिंथेसिस होगा वही न्यू थीसिस बनेगा। अच्छा, फिर वो एंटीथीसिस। किसी थिंकर ने वहां कह दिया कुछ नहीं बनेगा, वो कौन सा थिंकर है? सर कहां तो था, क्लियरली याद नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये कोटेशन है अरस्तु का कि राज्य व्यक्ति से पहले है, क्या मतलब है? सर इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि स्टेट जो है इंडिविजुअल से पहले, यानी कि इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेट के अंदर ही है। उनका कहना था कि अगर स्टेट के अंदर इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो वो किसी जानवर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। या अ मैन इफ इज नॉट अ सोशल एनिमल देन इज आइदर बीस्ट और गॉड। आप तो रेलवे भी आप करते हैं? जी सर। सेंट्रल का बहुत अच्छा पद है आपके पास, स्टेशन मास्टर जैसा पद है, जो होना चाहते हैं बदल पी सी एस वाले के? सर अगर मैं इसको दूसरे तरह से कहूँ तो अगर मैं फुटबॉलर होता तो मैं फीफा वर्ल्ड कप खेलना चाहता, क्रिकेटर होता तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता। तो हमेशा एक जो हाईएस्ट फॉर्म है वो पब्लिक सर्विस का भी, स्टेट में हाईएस्ट फॉर्म जो है वो प्रोविंशियल सर्विसेज ही है, और एसडीएम बन के मैं पब्लिक सर्विस में के हाईएस्ट लेवल पर पहुँच सकता हूँ। मैं अभी भी पब्लिक सर्विस में ही हूँ, रेलवेज भी पब्लिक सर्विस ही है, लेकिन उसका जो हाईएस्ट फॉर्म है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसटीएम है, तो मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, अपने आप को पूरी तरह इवॉल्व करना चाहता हूँ। रेलवे तो बाकी प्रमोशंस होते होंगे ना? जी सर होते हैं, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट होती होगी, कौन सी हाईएस्ट पोस्ट होती है? जी डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर तक हम लोग पहुँच सकते हैं, हम लोग पहुँच सकते हैं स्टेशन मास्टर, लेकिन उससे ऊपर यूपीएससी में देखा जाए तो डीओएम उनकी सबसे पहली पोस्ट है। ये डीआरएम से हायरार्की लो लेवल तक अगर आएंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जरा बताएंगे डीआरएम से लेकर नीचे तक? जी सर बाइफर्केशन हो जाता है गुड्स में, पर्सनल में। आप सिंपली सर गुड्स एंड ट्रेवल्स दोनों के किसी भी बता सकते हो? जी सर डीआरएम है, फिर एडीआरएम होते हैं, फिर डीओएम है, सीनियर डीओएम है, फिर डीओएम है, फिर एओएम है,
एवीएम में भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, फिर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, फिर एसएम है, फिर एएसएम है, फिर नीचे जाता है पोर्टर, गैंगमैन, गैंगमेट। ओके, 111107 एक्सप्रेस आपके स्टेशन से गुजर कर कितने कितने रीजन से गुजर के जाती है? 111107 आई एम रियली सॉरी सर, शंकरगढ़ से गुजरती है सर। एक्चुअली मैं तो अभी लीव पे हूँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद से मैंने लीव ले रखी है। इससे पहले कहाँ थे पोस्ट? तो मैंने जॉब ज़्यादा की नहीं, इससे पहले मैं ससौल में था। ओके जी सर, प्लीज। ट्रेनें जो है वो राइट टाइम चले जी, उसमें स्टेशन मास्टर की क्या भूमिका है? सर बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, एक बैलेंस्ड भूमिका है। एक भूमिका ये है स्टेशन मास्टर की कि जब भी हमें पीछे से लाइन क्लियर देना होता है और आगे लाइन क्लियर लेना होता है, उसके बीच का जो टाइम गैप है, अगर एक स्टेशन पे देखा जाए तो 2 से 3 मिनट स्टेशन मास्टर खुद बचा सकता है। और अगर इलाहाबाद से कानपुर के बीच की बात करें और 40 स्टेशन है बीच में, तो उन 40 स्टेशन पे अगर हम लोग 2-2 मिनट स्टेशन मास्टर के तौर पर बचाएंगे, जल्दी जल्दी काम करके, क्विकली काम करके, तो 80 मिनट बचा सकते हैं। ये हमारा काम है, ये 1 घंटा 20 मिनट तो स्टेशन मास्टर डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो ये स्टेशन मास्टर और हेडमास्टर दोनों के उत्तरदायित्व में क्या अंतर? जी सर, सर काफी अंतर है। वो जो है स्टेशन हेडमास्टर जो है वो भविष्य बनाते हैं बच्चों का, हम लोग एक तरह से कहा जाए तो उस भविष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम देने जाना है तो आपके भविष्य से ही रिलेटेड चीजें हैं, वहां तक पहुंचाने का काम हमारा है, हम लोग उस संचालन का काम कर रहे हैं। कहा जाए कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको आगे पीछे रखेंगे? सर आउटराइटली किसी को आगे पीछे रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हेडमास्टर थोड़ा सा भी थोड़ा सा ऊपर तो जरूर होगा, क्योंकि रेली एक साधन नहीं है, वो बस से भी जा सकता है, वो अपनी गाड़ी से भी जा सकता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि उसका भविष्य सिर्फ मेरे ही हाथ में, लेकिन हाँ हेडमास्टर अगर भविष्य बिगाड़ने पर आ जाए तो डेफिनेटली, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। गरीबी निवारण के जो है कई दो फटाफट आप साधन बता दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट उपाय भारत में गरीबी निवारण के। सर सबसे पहला अगर गरीबी निवारण का है तो वो रोजगार का, जितना हम लोग रोजगार जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। दूसरा अगर करप्शन को किसी भी तरह कुछ परसेंट भी कम कर सकें तो ये जो दो चीज़ें हैं इससे हम लोग गरीबी पे बहुत काफ़ी दूर तक लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि करप्शन पे जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो चल रहा है उससे काफ़ी लगाम लगी है और उससे गरीबी में कमी भी आई है। और दूसरा जो था रोजगार का, तो मनरेगा में अगर जैसे हम लोग रोजगार दे रहे हैं उससे भी गरीबी कम होगी। आप ये ठीक है, ठीक है, आपका अप्रोच ठीक है और आपको मतलब थोड़ा सा आपको सेटिस्फैक्टरी लिखा है, स्पीड में थोड़ी सी कमी लानी है, कुल मिला के आपका ठीक है और एनालिटिकल भी अप्रोच है और आप माइनूट ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं, रिजल्ट ऑफ माइंड इज बेटर एडवांस वाले क्वेश्चन पे बहुत अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन पे आपका जो है आपको अच्छे नंबर मिले चाहिए। पहली बार दे रहे हो क्या सर? हिमाचल का दिया है, हिमाचल का यूपी से पहले। अच्छा हिमाचल में कैसे, यहीं से भरा था कि वहाँ कहीं? नहीं नहीं, अच्छा यहीं से भरा था। अच्छा वहाँ का इंटरव्यू दिया? जी इंटरव्यू दिया सर। कब हुआ था वो? जी सर 2017 में। 17 में। अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर आ गया था, वो तो तुरंत आ जाता है। तो नहीं हुआ? नहीं सर 5 नंबर से रह गया। नहीं वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है मैं हिमाचल का, मुझे वो आउट ऑफ स्टेट को प्रशासन में सफर लाइक नहीं सर, एजुकेशन में ले लेंगे आपको, यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, प्रशासन में उसके अंदर उनके अंदर ये फीलिंग थोड़ा ज़्यादा है जो सेलेक्टर्स हैं। मैं वहाँ नौकरी किया मैंने 4 साल। अच्छा सर। और तो वो थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पे कि पहाड़ी और मैदानी का, हमसे पूछा भी था वहाँ पे, मेरा मध्य प्रदेश का मेंस था। हाँ तो मध्य प्रदेश में आपका राजस्थान दोनों जगह हो जाएगा, लेकिन हिल्स में वहाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन हिमाचल में तो एकदम जो रीजन लेते हैं कि आपका भाई यहाँ पर। हाँ ये मतलब कि वो उनकी कल्चर को आप समझते नहीं है और बड़ा चालाक होंगे आप मैदान से। मैं मंडी में था तो टीचिंग में चल जाता है, कोई आपके पास पावर है नहीं, पढ़े रहो। आप एसडीएम बनोगे तो नेचुरली अगर आप थोड़ा तेज है तो और
करोड़ करोगे, ये मानना है उनका। खैर कोई नहीं, आपका ये संतोषजनक है, थोड़ा जैसे धीरे बोलने का है, आपका होना चाहिए अच्छा नंबर आना चाहिए, आपको उसमें भी थोड़ा सा समझ ठीक थी। वो कार्ल मार्क्स था जिसने कहा था कि अब कम्युनिज्म के बाद कोई विकास नहीं होगा, वो सेंसेसिस आ गई बस आ गई, वो आपने सही पकड़ा था। द्वंद्ववाद बहुत कठिन सवाल था कि द्वंद्ववाद से मार्क्सवाद निकला, तो और अरस्तु का भी जवाब ठीक है, तो मैं समझ में आपको सब्जेक्ट की समझ है तो और ठीक है सर का। सो हाँ, बैठने वटने का भी ठीक है आपका, गाड़ी बना के जाइएगा क्योंकि बनाओगे नहीं, संतोषजनक लिख दिया।